समय फिजियोथेरेपी की स्थिति क्या है, किस तरह के ज़्यादा आ रहे हैं? सर, इस समय चूँकि लॉकडाउन में घरों में काम वालों की कमी है, लोग भय के कारण बुला नहीं रहे या समस्याएं भी हैं, इस वजह से घर में महिलाएं पुरुष स्वयं से काम कर रहे हैं। चूँकि बहुत लंबे समय से काम तो किसी ने करा नहीं, क्या काम वाले लगे हुए हैं, तो अब जब काम कर रहे हैं तो समस्याएं बढ़ रही हैं। बदन में दर्द, जोड़ों में दर्द, नसों का खिंचना, अब ये बढ़ रहा है। अच्छा, इस समय हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो 80% इसी प्रकार के हैं जिन्हें कहीं ना कहीं खिंचाव है। अब वो खिंचाव नस का हो सकता है, मांसपेशी का हो सकता है या जोड़ का हो सकता है। अच्छा, इसके लिए करना हमें बहुत सिंपल सा काम है, घर में सुबह काम करने के पहले थोड़ी अपने स्वयं की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग यानी हर एक जोड़ को थोड़ा थोड़ा चलाएं। अच्छा, जिससे कि उसका मूवमेंट प्रॉपर हो जाए, मांसपेशियां थोड़ी खुल जाए, शरीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें काम करने की आदत तो है नहीं। हाँ। अब अगर करना पड़ रहा है तो इसलिए काम करने के पहले और बाद में थोड़ा थोड़ा व्यायाम अगर हम करेंगे तो इन सारी समस्याओं से दूर रहेंगे। अच्छा, ये पुरुषों और महिलाओं में किसमें और ज़्यादा निकल रहा है इस समय? पुरुषों और महिलाओं का अगर हम रेशियो देखेंगे तो महिलाओं का रेशियो ज़्यादा है। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी लापरवाह रहती हैं, माने या ना माने ही सत्य बात है। हाँ, ठीक है। उन्हें घर का काम ही दिखता है। हाँ। यदि आप घर का काम ही देखोगे, स्वयं को नहीं देखोगे, तो काम कैसे कर पाओगे? फिर आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहिए, थोड़ा सा व्यायाम कर लेंगे, फिर अपने सारे काम करते रहिए। थोड़ा पोस्चर का ध्यान रखिए, जैसे आगे झुकना नहीं है, सामान उठाना है जमीन से, तो अपने घुटनों को मोड़िए, पीठ को ना झुकाइए। ऐसी कुछ चीज़ें, अगर वजन ज़्यादा लग रहा है तो घर के किसी पुरुष को बोलें वो उठा दें। अच्छा, ऐसी कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। सर, इन सब समस्याओं के पीछे क्या मुख्य कारण लॉकडाउन रहा है? नहीं, इन सब का मुख्य कारण लॉकडाउन नहीं रहा है, इन सब के होने का कारण हमारी लापरवाहियाँ, हमारा आलस है। अच्छा, बिल्कुल सर, लॉकडाउन कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको समझिए। अच्छा, जो आपकी दिनचर्या में आप काम नहीं कर पा रहे थे, आप वो भी कर सकते हैं। किसी को पढ़ने का समय नहीं मिलता था, वो पढ़ भी सकता है। किसी को कोई विशेष प्रकार की एक्सरसाइज पे महारत हासिल करना है, वो भी कर सकता है। कई लोगों ने तो पाकशास्त्र में महारत हासिल कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, लॉकडाउन से, ठीक है। कई लोगों का वजन ज्यादा था, उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि वो काम की वजह से कर नहीं पाते थे, उन्होंने अपना वजन सब नियंत्रण में कर लिया। तो इस लॉकडाउन को चैलेंज की तरह लीजिए, जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे उस पर ध्यान दीजिए। क्या फिजियोथेरेपी से स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता। अच्छा, फिजियोथेरेपी में कई चीज़ें हैं, योग में, ध्यान में कई चीज़ें हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में कई चीज़ें हैं, हम इन सभी के माध्यम से स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़े बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सर, योग तो सर फिजियोथेरेपी नहीं है? फिजियोथेरेपी और योग एक दूसरे के पूरक हैं सर। ओके। कई सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनके योग में आसन हमने नाम सब उनके नाम हैं। हाँ। कई सारे उनके सब नाम फिजियोथेरेपी में अलग है, योगाभ्यास में अलग है। अलग है, अच्छा अच्छा। मैं योगाभ्यास क्यों बोल रहा हूँ उसकी एक वजह है। हाँ। योग के 8 सूत्र होते हैं। हाँ। 8 नियम होते हैं। हाँ। उनमें से एक है योगाभ्यास। योगाभ्यास जो सभी लोग करते हैं। योग के 8 अंगों में यम, नियम, ध्यान, प्राणायाम, योगाभ्यास से प्राणायाम, समाधि, ये सब चीजें आती हैं। हम योगाभ्यास करते हैं और प्राणायाम करते हैं। इसके बाद आता है ध्यान। ध्यान अगर हम ये चीजें कर लेंगे तो ही हमारा काम हो जाएगा। बेसिक बात सारी आके रुकती है हमारे पोस्चर, जिसे हम कहते हैं अर्गोनॉमिक्स, हमारे काम करने का तरीका। हम किस पोस्चर में, हमारा शरीर किस तरह से आपने मेंटेन करा, आप कैसे खड़े हो, कैसे बैठे हो, कैसे आप लेट रहे हो, ये सभी चीजें काउंट करती हैं। अच्छा, 60% समस्याएं होती हैं हमारी अपनी गलती से। हाँ, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि हम कैसे बैठ रहे हैं, कैसे हम वजन उठा रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं,
इन पे निर्भर करता है कि हम क्या हमारा सर बैठना तो कहते हैं कि सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए बैठते समय। बैठते में देखिए अब दो चीजें हैं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा, बैठते में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हाँ मैं अभी भी बैठा हूँ जी, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है। हाँ जी, मगर स्ट्रेस पड़ रहा है। हाँ हाँ मैं अभी बैठा हूँ। हाँ जी, मेरी रीढ़ की हड्डी अभी सीधी है। हाँ मगर मैं आराम से बैठा हूँ, रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेस नहीं है। कुल मिला के मेरुदंड हमारा जो है वो सीधा रहेगा, ऐसा नहीं कि हम तन के बैठे, हम आराम से भी हैं मगर मेरुदंड सीधा है हमारा। अच्छा, ये मायने रखता है। ओके, कि हम कैसे बैठे हैं। मेरी जो चेयर है मैं बताऊँ आपको, मेरी चेयर जो है मैं आपको अगर दिखाऊंगा, एक नेक रेस्ट है और एक बैक रेस्ट है। हाँ, कई चेयर आती है जो यहाँ पे खाली होती है। हाँ जी, हाँ जी, एम्प्टी रहती है। हाँ जी, हाँ जी, उनमें सिर्फ यहाँ बैक का सपोर्ट होता है। हाँ जी, बैक पे। हाँ जी, हाँ जी, लोअर बैक का सपोर्ट होना चाहिए। आपकी जो चेयर आप जहाँ बैठे हैं उसमें भी देखिए बैक सपोर्ट है। हाँ जी, इस तरह की चेयर होनी चाहिए। अच्छा, ओके, ये बहुत आवश्यक है। इनसे काम होगा, आपकी गर्दन को जो एक कर्व आता है हॉलो है वहाँ सपोर्ट चाहिए। हमारी जो लोअर बैक है जिसको हम एलएस स्पाइन कहते हैं, लंबो सेक्रल, जहाँ मैक्सिमम दिक्कतें होती हैं, वहाँ पर हमें सपोर्ट चाहिए। कुर्सी ऐसी हो जो ऊपर भले ही सपोर्ट नहीं हो मगर आधी पीठ के बाद नीचे सपोर्ट होना ही चाहिए। पुराने जमाने में लकड़ी की कुर्सियाँ आती थी, बुनी हुई, वो सबसे बेस्ट होती है। अच्छा, वो हमारे स्पाइन को एकदम बढ़िया रखती है। सर वो खत्म हो गई नई कुर्सियाँ? अब यही तो, क्योंकि हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न होने का अर्थ ये नहीं है कि हम मॉडर्न होंगे तो हम पुरानी चीजें भूल जाएं। जी, उन्हें भी संभाल के रखिए, नए को भी ग्रहण करिए, दोनों का बैलेंस बनाइए, सब बढ़िया चलेगा। हम सर बहुत अच्छी जानकारी दी है, मैं चाहूँगा इस वीडियो को सब लोग देखेंगे ताकि लोगों को ज्ञान अर्जित हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।